हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। तो गाइस, सुबह बज रही है 9:30 और फाइनली सो के उठ चुके हैं और बारिश भी हो चुका है और चाय भी हो चुका है। और आज का वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिर से अपने पुराने वाले घर साइड से। और गाइस, अभी ना जस्ट आ रहे अपने घर से। ये हम लोग का पुराना घर है। आप लोग इस हम लोग में इसको डाल दिए, इसको पूरे अच्छे से दिखा दिए। सिर्फ एक एक यही रूम है ना कि जहाँ पे हम सेफ्टी ना ब्लॉग शूट कर पाते हैं अच्छे से, इसलिए ना हम यहीं से स्टार्ट करते हैं हर टाइम। और यहाँ ना हमें अच्छा भी लगता है, मतलब कहीं भी हम जाते हैं ना बाहर, और मतलब बाहर ब्लॉग शूट करने के लिए या छत पे, तो हमें ना थोड़ा मन में ना डर रहता है कि कोई हमें देख ना ले। बट यहाँ पे ना कोई नहीं हमें देख पाता है क्योंकि यहाँ बहुत सेफ्टी रहते हैं। इसका द्वार ना एक ही है, तो जिधर से भी लोग आएंगे ना तब देख लेंगे कि मतलब कहाँ से लोग आ रहे हैं। बट जहाँ पे हम खुला ब्लॉग शूट करते हैं तो वहाँ से ना कहीं से लोग आ सकते हैं। तो इसीलिए ना हम जब भी ब्लॉग शूट करते हैं ना, तो हम इधर उधर देखते रहते हैं कि हमारे पास कोई आ नहीं रहा है। हर टाइम ना मेरा नज़र इधर उधर रहता है, मतलब किसी को हम देखते रहते हैं, बस मेरे ब्लॉग में वो दिखे ना। और गाइस, अभी तो काफ़ी हम दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, बहुत। हम आप लोगों को कितना बताएं, हम जितना बताएंगे उतना कम है कि हम कितना दिक्कत करते हैं और ब्लॉग शूट करते हैं। काफ़ी मतलब मेहनत भी ना बहुत ज़्यादा लग, और हमें करना भी है कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे। और गाइस, फाइनली ना 2 दिन से धूप आना स्टार्ट हो गया है और अब अच्छा लग रहा है। पूरे 4-5 दिन से ना बादल ऐसे घेरे हुए थे ना। 9 बजे के बाद ही ब्लॉग शूट होता है, 9 बजे के बाद या 9 बजे या 10 बजे। सुबह हम कभी ब्लॉग नहीं शूट करते, 6 बजे, 4 बजे या 5 बजे हम उतना टाइम पे उठ जाते हैं, बट हम ब्लॉग नहीं शूट कर पाते। पता है क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ना हमें ब्लॉग एडिट करना पड़ता है और अपलोड करना पड़ता है, काफ़ी हमें दिक्कत होता है उस टाइम पे। तो इसीलिए ना हम सुबह जल्दी ब्लॉग नहीं शूट करते हैं, हम रात को एडिट नहीं करते हैं। जब काफ़ी ज़्यादा घर में शोर होता है ना, तब सुबह एडिट करते हैं। सुबह ना सारे लोग सोए रहते हैं और उस टाइम पर कोई नहीं हल्ला करता है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत है बाबू, अंजना, संजना, सबसे ज़्यादा रात को ना वही दिक्कत करते हैं। हम रूम में सो जाते हैं ना, फिर भी हमें जगाने के लिए कोशिश करते हैं बहुत सारा। मेरा गेट, मतलब जो रूम है ना, रूम का गेट, वो ना बार बार ऐसे पीटते रहते हैं हर टाइम। सभी जो हम जैकेट लगाए हैं ना, इतना बड़ा है ना कि मेरे जैसे ना एक और आ जाएगा इसमें, यहाँ से देखिए बहुत बड़ा है। बट ठंड लग रहा था ना, तो बचने के लिए हम उसे लगा लिए, क्योंकि सारे स्वेटर और कपड़े तो अभी धो दिए, बस वो यही बचा हुआ था। और ये ना हमारा नहीं है, भैया का, हम भैया का लगा के घूम रहे इधर। और ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। और गाइस, बस आप लोग से बस छोटा सा प्यार चाहिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को मेरा ब्लॉग समझ में आए और आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे। हम बहुत कोशिश करेंगे, बट ना कभी कभी लगता है ना कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बहुत लगता है ना। तो उस टाइम पर हम उस दिन ना ब्लॉग नहीं शूट कर पाते हैं, क्योंकि एक की बार बार लोकेशन और बार बार, मतलब हम कुछ ढूंढते हैं अलग ना कि कुछ नया करें आप लोग को अच्छा लगे, बट नहीं कर पाते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी ना हम नहीं कर पाते अलग। तो गाइस, अभी चलते हैं नहाने के लिए और फिर हमको आना है मंदिर पे पूजा करने के लिए। अभी सारे लोग ना मंदिर पे पूजा करके जा रहे हैं, जब खाली होता है ना मंदिर हम उस टाइम पे आते हैं। गाइस, इनका आशीर्वाद ले लिए और फिर हम निकलते हैं घर के लिए। गाइस, फाइनली पूजा कर लिए और अभी हम जा रहे हैं घर पे। और पता है अभी क्या हुआ है, इतना हम डर गए ना, अभी आए थे मंदिर के पास पूजा करने के लिए और यहीं पर ना एक डॉग बैठा हुआ था, और जैसे ही गेट खुले है ना, मतलब उसको साउंड पता चल गया कि मतलब कोई आ गया है मेरे पास, और तुरंत उठ के वहां से हमें लगा कि काटेगा हमें, बट ना वो भाग गया है। और गाइस, बहुत ज़्यादा डर लगता है हमें डॉग से, बहुत ज़्यादा, मतलब छोटे छोटे ऐसे नहीं, बड़े बड़े से। एक बार हमें ना काटा था, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। और मंदिर के पास में ही बैठा हुआ था। और गाइस, अभी जा रहे हैं घर पे लिए, क्योंकि अब टाइम भी ना बहुत ज़्यादा हो गया है। हम लगभग ना 12 बजे आए थे पूजा करने के लिए, तो चलिए हम निकलते हैं, क्योंकि भूख भी ना बहुत तेज वाली लगी है और हमको जाना है मोहल्ले सेट, कुछ काम भी है, मार्केट जाना है। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं छत पे, और आते ना एक ट्रेन दिखा हुआ है, और ये देखिए ये गाड़ी पूरा ना पब्लिक है, मतलब जो सवारी गाड़ी होती ना वो है, बट ये ना पूरा इसका ना ही दरवाजा दिख रहा है, और ये इस पे ना सील मारा हुआ है, ये देखिए। ये हमें लग रहा है ना कि पार्सल गाड़ी है। भाई, छत पे हम धूप लेने नहीं आए थे और ना ही बैठने आए थे, हम आए थे कुछ काम करने के लिए। और ये जो आप स्टील का पाइप दिख रहा है ना, इसमें हम लोग झंडा लगाने वाले हैं श्री राम जी का। और शाम को हमें ना फिर जाना है मार्केट झंडा लाने के लिए।
अभी तो फिर इसको फिक्स करने के लिए आए कि कहाँ पे लगाना है इसको। Me in like a black hole, trapped in a grip and I can't break. Out of control and I can't feel my soul and my heart and my damn face. Cause I ain't be nothing without her. A king with no queen and no damn kingdom. Serving up hate with a cold vengeance. Fuck, but I hate her, we can't slay her. Yeah, she's got me hooked, I'm down, I ride. Leaving, she tried to kill me, I can see it in her eyes. Yeah, she's got me shook, this my demise. I'm bleeding, can someone heal me? I can't deal with no more lies. I'll never go on like this, so don't you think you got me? हम लोग जाने वाले थे नॉर्थ साइड घूमने के लिए, बट इतना ज़्यादा ठंड पड़ रहा है ना, मतलब हवा काफ़ी तेज शाम को हो गया, तो इसीलिए हम लोग कैंसिल कर दी। जब ये एरिया ना पूरा पैक है, मतलब इसमें पेड़ है काफ़ी ज़्यादा, तो इसमें जब हवा लग रहा है ना तो वो पूरा खुला एरिया। और एक बार ना हम जाके ना उधर पछता रहे थे, ठंड के मौसम में चले गए थे और गाइस इतना ज़्यादा ठंड लग रहा था ना, हम वही दिन से ना कान पकड़ ली कि अब ठंड के मौसम में अब कभी नहीं जाएंगे उधर। और गाइस ये है पुराना घर जिसमें हम लोग चारा रखते हैं। अभी कुछ दिन पहले ये खाली था, बट अभी देखिए इसमें ना भूसा रखा गया है भैंस का खाने में। हम लोग यहाँ पे ना भूसा बोलते हैं जो भैंस का खाने वाला, कहीं भी चारा भी बोला जाता है बट हम लोग भूसा बोलते हैं, कुट्टी बोलते हैं, सॉरी कुट्टी बोलते हैं। और गाइस यहाँ पे ना लाइट बहुत प्यारा आता है, तो इसीलिए ना हम सोचते हैं ना कि जहाँ पे अच्छा लाइट आए वहीं पे हम जाएं, और काफ़ी मतलब अच्छा भी लगता है फेस यहाँ पे। बाकी इस एरिया में लकड़ी इतना ज़्यादा है ना कि बैकग्राउंड में पूरा सूखा सूखा दिख के मतलब दिख रहा, और जब बारिश होता है ना उस टाइम पे सिर्फ हरियाली। और अभी तो पूरा एरिया सूख गया है। और इसमें पता है किस मतलब लाइट आता है, ये पेंट ना वाइट है और इसीलिए इसका जब सन का इसमें लाइट आता है ना तो ये हल्का सा लाइट देता है और हमारे फेस पे देखिए। अभी तो इधर बहुत गंदा वाला आ रहा है बट घर में जाएंगे ना काफ़ी अच्छा आ रहा है। और गाइस पहले हमें नहीं पता है कि कितना घर पुराना है, ये वाला हम लोग वाला तो बहुत ज़्यादा पुराना है बट इसके बारे में पता नहीं। और इधर देखिए और गाइस आप लोग को पता है अभी हम आप लोग को ना इस घर के इस एरिया के मतलब कुछ भी आप लोग को नहीं बताएं कुछ भी। He's got me shook, this my demise. I'm bleeding, can someone heal me? I can't deal with no more lies. I'll never go on like this.